हेलो एवरीवन, एनएफटीबी इनसाइडर के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास आप सभी वन पंच मैन के प्रशंसक के लिए कुछ रोमांचक समाचार हैं। हम वन पंच मैन सीजन 3 के बहुप्रतीक्षित रिलीज तारीख के बारे में बात करेंगे और भी अदर डिटेल्स के बारे में बात करने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर शूटिंग से एंड एनिमेशन तक सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बारे में कौन सा स्टूडियो इसका एनिमेशन कर रहा है और एनिमेशन कर रहा है साथ में और भी अदर डिटेल्स मैंने बताए थे। उस वीडियो को जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि अभी पता चला है रिसेंट अपडेट के अनुसार कि इसमें 12 एपिसोड देखने को मिलेगा सीजन 3 के अंदर में। जैसे कि प्रीवियस सीजन में भी आपने 12-12 एपिसोड करके आपने देखा था उधर भी, तो इस सीजन के अंदर भी 12 एपिसोड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जंप फेस्टा नाम के एक इवेंट होने वाला है, उस दौरान में ही आपको इसके बारे में काफी कुछ सुनने को मिल सकता है, जो कि इस इवेंट का होने वाला है टोक्यो के अंदर में, जो कि यह बताया जा रहा है इस साल के अंत में होगा। यह दिसंबर में होने वाला है, जो कि यह दिसंबर में 16 से 17 तारीख चलने वाला है टोक्यो के अंदर में। उसी दौरान आपको टीजर या इसका क्लिप्स वगैरह देखने को मिल सकता है, टीजर या न्यू पोस्टर वगैरह देखने को शायद मिल सकता है। उसी दौरान आपको इसका रिलीज डेट भी अनाउंस सुनने को मिल सकता है ऑफिशियल्स। तो जैसे कि इसके अंदर में और भी एनिमे अनाउंस करे जाएंगे, लेकिन वन पंच मैन की बात करें तो ये आपको बताया जा रहा है इसमें अनाउंसमेंट इस साल के दिसंबर में देखने को मिल सकता है, रिलीज डेट भी आपको उधर सुनने को मिल सकता है। लेकिन अभी जितने रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊं तो रिलीज डेट आपको मिड 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने रिपोर्ट आ रहे हैं कि अभी बताया जा रहा है कि आपको मिड 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये इवेंट जो जंप फेस्टा इवेंट है वो आपको 2024 के अर्ली क्वार्टर में भी आपको देखने को मिलने वाला है, इस वजह से ज्यादा चांस रहेंगे कि आपको मिड 2024 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।